सादे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डिंडौरी में जनसेवा शिविर के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में दिखाई दिए। यहां सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को मंच से ही सस्पेंड कर दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लापरवाही के चलते अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। दरअसल सीएम ने सरकारी योजनाओं में लापरवाही को लेकर कलेक्टर को फटकार भी लगाई। डिंडौरी में सीएम का सख्त एक्शन देखने को मिला। नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड किया है। जनसेवा शिविर में सीएम ने अधिकारियों की क्लास भी लगाई। मंच से अधिकारी को सस्पेंड किया गया। पीएम उज्ज्वला योजना में लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद सीएम ने ये कार्रवाई की है। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। तो जनसेवा शिविर में सीएम ने अधिकारियों की क्लास लगाई और यहाँ पर एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया है। सीएम ने मंच से ही इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। पीएम उज्ज्वला योजना में लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। नागरिक आपूर्ति विभाग का अधिकारी सस्पेंड किया गया है। जनसेवा शिविर में सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मंच से अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना में लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद सीएम ने ये कार्रवाई की है। मंच से ही एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर को भी मंच से फटकार लगाई है। नागरिक आपूर्ति विभाग का अधिकारी सस्पेंड किया गया है और डिंडौरी में सीएम का ये सख्त एक्शन देखने को मिला है, जहां पर पीएम उज्ज्वला योजना में लापरवाही बरती गई थी और कार्रवाई करते हुए सीएम ने एक अधिकारी को मंच से ही सस्पेंड कर दिया। तो नागरिक आपूर्ति विभाग का ये अधिकारी जिसे सीएम ने सस्पेंड किया है, मंच से अधिकारी को सस्पेंड किया गया। गैस एजेंसी वाले को बनाना था कि आपको बनाना था? आया जाओ चार क्लियर करो। गैस एजेंसी वाले ही केवाईसी करते हैं कंपनियों से। अपना क्या काम है गैस एजेंसी वाले ने बनाया तो आप आ गए हैं? जब घटिया उतरिए हम लोग को कैंप लगवा रहे हैं हर मतलब एजेंसी के, और हमने कलेक्टर साहब की तरफ से 50-50 पंचायतों के कैंप के टारगेट दिए हैं। उनको कर रहे हैं 70,000 कब स्वीकृत हुए थे बताओ, टारगेट कब आया? जनवरी लास्ट से अब हो गया सितंबर, ये तो पहले के हैं। अभी 70,000 का पूछा, 70 में से तीसरे क्यों बनी, सब क्यों नहीं बने? अरे जल कब तक चलेगा भाई? आपको सस्पेंड कर रहे हैं, चलो और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शुभम भी जुड़ गए। शुभम, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं सीएम का ये एक अलग ही अंदाज यहाँ पर देखने को मिला है कि मंच से ही फटकार तो लगाई कलेक्टर को, साथ ही एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भी कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और उसके बाद अगर उन्हें शिकायतें मिलती है तो उसका निराकरण वो वहीं पर करते हैं या फिर उसके एक दिन बाद उस ऑफिसर पर गाज गिरती हुई नज़र आती है। उदाहरण के तौर पर आपको झाबुआ कांड याद होगा, यानी कि अब से 4 से 5 दिन पहले जब मुख्यमंत्री वहाँ पर गए थे तो शिकायत आई सबसे पहले, चूँकि SP ने किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल छात्रों के साथ किया था, उसके बाद उन्हें तुरंत वहां से हटा दिया गया था। जब वो पहुंचे तो भ्रष्टाचार की शिकायतें कलेक्टर को लेकर थी। मुख्यमंत्री भोपाल आए, एक दिन बाद कलेक्टर को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। आज डिंडोरी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई ये योजना है, प्रधानमंत्री को हमने देखा है कि उस पर उन्होंने कई बार बातचीत की है, लोगों से अपील की है इस योजना में साथ देने की। कई लोगों को जो सब्सिडी आती है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप सब्सिडी छोड़िए जिन लोगों की स्थिति अच्छी है। तो ऐसे में जो कनेक्शंस दिए गए हैं अगर उसमें इस तरह से गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर मुख्यमंत्री तो गंभीर होंगे। और इसीलिए जब उन्हें शिकायतें मिली उस बारे में उन्होंने जानकारी पूछी, मांगी, अधिकारी जो थे वो खाद्य नागपूर्ति अधिकारी थे, नहीं बता पाए ठीक तरह से जानकारी, और उन्हें फिर वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब आपको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो फिर क्या मतलब, आपको यहीं तत्काल ही सस्पेंड किया जाता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री एक्शन में नज़र आते हैं। और सुबह सुबह की भी हम बैठ के देखते हैं, जब मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं CM हाउस से सुबह 6:30 बजे 7 बजे, उस वक्त भी अगर अधिकारी ठीक से जवाब नहीं देते हैं, लापरवाही बरतते हैं, या फिर उनको प्रदेश के अलग अलग ज़िलों
अधिकारियों से शिकायतें मिल रही होती है तो फिर मुख्यमंत्री उसमें काफ़ी एक्शन मोड में आ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं और उसके बाद उनका एक ये रूप देखने को मिलता है। क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री काफ़ी शांत सौम्य व्यवहार के हैं, इस तरह से नहीं करते हैं, मगर जब शिकायतें आती है तो फिर उतने ही गंभीर और उतने ही वो सख्त भी नज़र आते हैं अधिकारियों को लेकर। तो आज भी यही हुआ, जब उन्हें शिकायतें मिली, जब उन्होंने ही अधिकारी से पूछा, वो कुछ भी नहीं बता पाए तो उन्हें वहीं पर सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल शुभम, और यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि अब तक जो अधिकारी है संभाग से संबंधित, उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी, वो कुछ बता नहीं पाए। ऐसे में क्या विश्वास किया जाए कि ऐसे कई और भी अधिकारी यहाँ पर होंगे जो इस तरह की योजनाओं को पलीता लगाते रहते हैं? देखिए बिल्कुल, और मुख्यमंत्री को अगर पूरी जानकारी मिलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास देखिए एक तो सीएम हेल्पलाइन है ही, वहाँ से तमाम तरह की शिकायतें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास आती है और सीएम हेल्पलाइन नंबर एक ऐसा नंबर है जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। उसके लिए एक अलग से समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करते हैं, जिला वाइज भी अलग से समीक्षा बैठक करते हैं कि इस जिले से कितनी शिकायतें आई हैं, उसमें से कितनों का निराकरण हुआ है। दूसरा, आपके पास बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपको कार्यकर्ता जो हैं, ये तो लोगों की बात हो गई जो सीएम हेल्पलाइन नंबर पर होते हैं, उसके बाद आपके जो कार्यकर्ता हैं जो मुख्यमंत्री तक अपनी बात रख सकते हैं वो बात पहुंचाते हैं, उसके बाद आपके जनप्रतिनिधि आ जाते हैं। तो इतनी सारी अगर शिकायतें किसी अधिकारी को लेकर आ रही है हर तरफ से, तो फिर मुख्यमंत्री उसकी अपनी ओर से जाँच पड़ताल करवाते हैं, और जाँच पड़ताल जब सीएम आवास से जब निर्देश जाते हैं होती है तो फिर उसमें चीफ सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद फिर ये नतीजा अगर आप उस वाकई में पाए गए कि आपने भ्रष्टाचार किया है तो फिर आप कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए, या तो आपका वहां से तबादला होगा या फिर इस तरह से मुख्यमंत्री सस्पेंड भी करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफी एक्शन मोड में यहाँ पर सीएम शिवराज दिख रहे हैं, और आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने। गैस एजेंसी वाले को बनाना था कि आपको बनाना था? आया जाओ चार क्लियर करो। गैस एजेंसी वाले ही केवाईसी करते हैं कंपनी उससे। अपना काम में गैस एजेंसी वाले ने बनाया तो आप आ गए, जब घटिया उतरिए। हम लोग को कैंप लगवा रहे हर मतलब एजेंसी के, और हमने कलेक्टर साहब की तरफ से 50-50 पहुंचाए, तो उनके कैंप के टारगेट दिए हैं, उनको कर रहे हैं। 70,000 कब स्वीकृत हुए थे बताओ, टारगेट कब आया? जनवरी लास्ट से अब हो गया सितंबर, ये तो पहले के हैं। अभी 70,000 का पूछा, 70 में से तीसरे क्यों बने, सब क्यों नहीं बने? अरे जल कब तक चलेगा भाई? आपका